जय हिंद एवरीवन, दिस इज रजत भारद्वाज वेलकम यू अगेन टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ निम्बर्स डिफेंस एकेडमी. सो टुडे आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक इन आर सीरीज ऑफ एनडी फिजिक्स एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर स्टार्टिंग विद ऑप्टिक्स सो ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एंडियो फिजिक्स इज कंसर्न अगेन ठीक है ऑप्टिक्स में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देन मिरर फार्मूलाज लेंस फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सो वी विल कवर ऑल ऑफ देम ठीक है सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ द बेसिक थिंग्स सो फर्स्ट थिंग फॉर द डे फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज ऑप्टिक्स ठीक है सो ऑप्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर इफेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ठीक है आपकी लाइट है उसके बिहेवियर के बारे में उसके इफेक्ट्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स ठीक है बिफोर डायरेक्टली मूविंग टू आर लाइट एंड मिरर्स लेट एस अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स ठीक है पहली बात आती है कलर्स की नाउ कलर्स हमारे दो टाइप के होते हैं प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स अब प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं वो कलर्स अ ग्रुप ऑफ कलर्स फ्रॉम विच अदर्स अदर कलर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स मतलब कि आप एक दो तीन जितने भी प्राइमरी कलर्स हैं उनको मिलाकर जो कलर्स बनाते हो वो आपके पास आ जाएंगे सेकेंडरी कलर्स और प्राइमरी कलर्स के हैं जो पहले से ही आपके पास ओरिजिनल कलर्स हैं ठीक है सो प्राइमरी कलर्स आर ग्रुप ऑफ कलर्स फ्रॉम विच ऑल अदर कलर्स कैन बी ऑबेन बाय मिक्सिंग फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन एंड ब्लू हमेशा याद रखेंगे प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू इनको मिक्स करके आप बाकी सब कलर्स को बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ये आप हमारे पास एक अच्छा चार्ट है इस समझने के लिए और सेकेंडरी कलर भी समझ लो फिर सेकेंडरी कलर इज अ कलर मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू प्राइमरी कलर्स ठीक है अब देखो रेड ब्लू और ग्रीन मेरे पास क्या है प्राइमरी कलर्स हैं इनको मिक्स करके मैंने जो कलर बना दिए वो मेरे पास क्या आ गए सेकेंडरी कलर्स जैसे जब मैंने रेड और ब्लू को मिलाया तो मेरे पास मेजेंटा कलर बना जब मैंने ग्रीन और रेड को मिलाया तो मेरे पास येलो कलर बना वैसे ही ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर मेरे पास सियान कलर बना और इन तीनों को मिलाने पर जब मेरे पास कलर बना व्हाइट बना इसीलिए हम बोलते हैं दो तो मिक्सिंग सभी कलर्स की कर देते हैं हम तो हमारे पास एक वाइट लाइट या व्हाइट कलर ओपटेन होता है ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं इसका एग्जाम्पल सनलाइट से समझ लो ठीक है सनलाइट है वो हमें व्हाइट लाइट दिखती है ठीक है लेकिन जैसे जैसे उसकी स्कैटरिंग अब अभी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब स्कैटरिंग और डिफ्रेक्शन वगैरह होगी तो हमारे पास सिर्फ रेड कलर या वही कलर्स ले जाते हैं जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये इफेक्ट डालती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे देखो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है एक प्लेन के ऊपर एक रे ऑफ लाइट आई इस प्लेन पर टकराई और वापिस चली गई ठीक है इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं रिफ्लेक्ट होगी लाइट अब एक लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए जो प्लेन है वो कैसा चाहिए आपने अपने घरों में मिरर्स देखे होंगे ठीक है आपने ये देखा होगा कि जो मिरर है वो एक ग्लास ही है लेकिन उसके नीचे जो पेंट किया रखा है ठीक है उसके नीचे हम ब्राउनिश कलर या ग्रीनिश कलर देखते हैं ठीक है वो उस मिरर के पीछे कलर क्यों किया होता है ताकि जो आपकी लाइट रे आ रही है वो उसको पेनिट्रेट करने के बजाय वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए ठीक है तो वही अब रिफ्लेक्शन क्या बोलती है द फिनोमिन ऑफ बोंसी बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो यहां पे हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है देखो पहली इंसिडेंट लाइट जो लाइट ये रे की बात करें इंसिडेंट रे ठीक है इंसिडेंट रे आई उसने इस प्लेन के ऊपर स्ट्राइक किया और यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई अब जो ये नॉर्मल लिखा है डज इट पर वो स्ट्राइक करी आपकी इंसिडेंट रे वो पॉइंट अगर मैं उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बना दूं परपेंडिकुलर एक सीधा लाइन खींच दूं तो मेरे पास नॉर्मल बन जाता है उसके बाद ये आगे मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे ठीक है अब आगे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो उनको समझना यहां से इजी है देखो कैसे आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं दो होते हैं पहला आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये है थीटावन इसको आप एंगल आई के नाम से भी जानते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप

जो इंसिडेंट एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बराबर रहेंगे ठीक है हर एक रिफ्लेक्शन इस लो को फॉलो करती है इस लो क्या मतलब कि जो लो ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको फॉलो करती है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट लो क्या बोलता है इसका सेकेंड लो की बात कर रहा हूं मैं सेकेंड लो ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है दैट जो मेरे पास इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे वो सभी के सभी एक ही प्लेन पर लाई करेंगे देखो इंसिडेंट रे यहां पर आया नॉर्मल यहां पर आया रिफ्लेक्टेड रे यहां पर आया ठीक है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल लाई ऑन द सेम प्लेन ये आपके पास आते हैं दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आपको समझना इजी हो जाएगा हमने पिक्चर से देख लिया है अब देखो नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड द इंसिडेंट रे द द रिफ्लेक्टेड रे रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन ठीक है अभी हमने ये पिक्चर से देख लिया नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब देखो हमारे पास तीन टाइप की रिफ्लेक्शन आती है अब पहली है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको आप स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं नेक्स्ट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन अब इनको समझते हैं होता क्या ये चलो पहली आती है रेगुलर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखो इसको समझना बिल्कुल ईजी है जो हमने पिक्चर देखी अभी जो हमने ये पिक्चर देखी ये एग्जाम्पल है एक रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का मतलब एक इंसिडेंट रे आई प्लेन मिरर था बिल्कुल ठीक है जो सरफेस था बिल्कुल प्लेन था यहां से टकराई और वापिस चली गई ठीक है तो इस केस में अगर मैं दो तीन देखो एक और मिरर है मेरे पास ये ठीक है अब इसमें समझने समझेंगे देखो ये एक रे एक आई इंसिडेंट रे यहां पे टकराई चली गई ठीक है सिमिलरली ये आई पैरलर इसके पैरलर है ये आई यहाँ से टकराई और ये रिफ्लेक्ट होकर गई ये दोनों पैरलर है मतलब कि जो आपकी रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्टेड रेज है मेरे पास उनके एंगल्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा

यहां पर टकराई मान लो इस पॉइंट पे टकराई तो इसकी रिफ्लेक्शन कुछ और है इस साइड गई वहीं पे एक और रे आई वो एक प्लेन में टकराई यहां पर तो इसकी रिफ्लेक्शन कहीं और गई ठीक है तो इसमें जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज है एक ये रिफ्लेक्टेड रे कि ये रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच में जो एंगल है वो सेम नहीं है ना ही वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं आपकी पैरलर है ठीक है तो बस इतना सा ही डिफरेंस है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरलर नहीं है उनके बीच में जो एंगल है वो सेम नहीं है ठीक है एंगल्स जो हैं वो अलग अलग से एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है ठीक है इसको देखते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस अदर देन मिरर सरफेस देखो मिरर्स के होते हैं जो प्लेन होते हैं ठीक है मिरर जो है बिल्कुल प्लेन है इसीलिए जो भी रिफ्लेक्टेड सरफेस है रिफ्लेक्टिव सरफेस अदर देन मिरर्स वो सारे के सारे किस में आते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं ठीक है इन जनरल हैज अ वेरी रफ फिनिश क्यों उनका फिनिश जो होता है रफ होता है अब मिरर तो प्लेन है लेकिन बाकी जो भी सरफेस है वो रफ है ठीक है वो प्लेन नहीं है इन दिस केस इन द केस ऑफ सच रफ सर्फेसिज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेन कंपेयर्ड बिटवीन पॉइंट इज कंप्लीटली हबसर्ड फॉर रफ सर्फेसिज द रेज इंसिडेंट एट स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट

अगर अंधेरा हो तो मैं क्यों नहीं दिखता कुछ भी क्योंकि उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ी और उसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी वही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के ऊपर पड़ेगी ठीक है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है और पहले मैं रेगुलर की बात करूं रेगुलर में एक रे आई एक प्लेन मिरर में टकराई वहीं से वापस चलेगी ठीक है ना ही कोई उसमें शफरिंग हुई ना ही हेफर्ड हुआ बिल्कुल सीधी आई सीधी चली गई लेकिन इरेगुलर में क्या हुआ वो आई एक एंगल अलग से गई एक दूसरे एंगल से गई तो उसकी वजह से क्या है हमें मल्टीपल चीजें दिख रही हैं जैसे हमारे रूम्स की बात करें एक एंगल इस एंगल पे है एक साइड इस एंगल पे है यहां से टकराई इस रिफ्लेक्शन में आई यहां से टकराई किसी और रिफ्लेक्शन में गई तो इस वजह से पूरे रूम में जो है लाइट हो जाती है ठीक है तो वो सब हो रही है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से नाउ नेक्स्ट चलते हैं ये हमने समझ लिया नाउ लाइट रेज इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट दे ऑलवेज लोफ रिफ्लेक्शन एट ईच पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है देखो इसको समझते हैं मैं एक डिफ्यूज सरफेस की बात कर रहा हूं ठीक है ये प्लेन नहीं है डिफ्यूज है मान लो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहां पर वो रिफ्लेक्ट होगी ठीक है अब इसके पास कुछ नॉर्मल भी है जहां पे इसने इंसिडेंट किया है ये मेरे पास एंगल आई आ गया और ये एंगल आर आ गया ठीक है वहीं पे एक और रे की बात करूं ये इंसिडेंट हुई इस पे अब अब इस पे इंसिडेंट हुई ये इस साइड चलेगी अब इसका जो नॉर्मल बनेगा वो कैसे बनेगा ऐसे करके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ठीक है अब इसके बोलने का मतलब क्या है कि चाहे जो भी रफ सरफेस हो एक रे पर्टिकुलर रे की बात हो रही है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी ही करेगी रिफ्लेक्शन के केस में ठीक है मतलब पहली चीज कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस रे का दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल या फिर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल इन द सेम प्लेन ठीक है ये हर एक केस में लॉज जो है, वो फॉलो होंगे ही होंगे ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन अ क्लोज रूम गेट सनलाइट इवन इफ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इन साइड द रूम ये हमने पढ़ लिया ठीक है याद रखेंगे हमारे जो रूम है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से पूरे रूम में लाइट हो जाती है ठीक है एक रे ऑफ लाइट की वजह से नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन कुछ और चीज़ है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमने पढ़ ली जो कि सरफेस अलग अलग है इसलिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ऐसे समझो मैंने दो मिरर रखे हैं एक मिरर मेरा इस साइड है एक मिरर मेरा इस साइड है यहां पर रे इंसिडेंट हुई यहां से टकरा के इस मिरर पर पड़ी यहां से फिर से टकराई इस मिरर पर पड़ी फिर यहां जा रही है कोई यहां पे जा रही है ठीक है उसकी वजह से क्या हुआ मल्टीपल रिफ्लैक्शन शो हुई ठीक है अब इसका फायदा क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जैसे जैसे मैंने इसको क्लोज uh, किया मतलब मैंने जैसे जैसे एंगल को कम किया तो जो इमेजेस बनने स्टार्ट हुई वो इनफाइनाइट होने होने शुरू होगी मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और जैसे ही मैंने उन मिरर्स को इकट्ठा कर दिया आमने सामने बिल्कुल इकट्ठा कर दिया उनके बीच में कोई एंगल नहीं रहा तो उस केस में जो इमेजेस है वो इनफाइनाइट होंगी याद रखना पेपर में डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं कि जब दो मिरर्स के बीच में एंगल्स नहीं है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है

लो अंटिल द पॉइंट दैट वी कैन नॉट सी ठीक है यह आ गया नंबर ऑफ इमेजेस वी सी इज इन इज डिपेंडेड लार्जली ऑन द एंगल बिटवीन टू मिरर्स वी सी दैट एज वी गो ऑन डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द मिरर द नंबर ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग ठीक है एंड वेन द एंगल बिकम जीरो जो हमने डिस्कस किया और वेन द मिरर बिकम पैरलर टू इच अदर उसके उसके इसमें क्या हो गया था नंबर ऑफ इमेज बिकम इन फाइनाइट यह आ गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर्मूला किस चीज का है मेरे को निकालना है अगर कि कितनी मेरे पास इमेजेस फॉर्म होंगी जब दो मिरर्स के बीच में मेरे को एंगल दे दिया ये एक मिरर है ये एक मिरर है ठीक है इन दोनों के बीच में जो एंगल है अगर मेरे को यह दे दिया गया हमने ट्राई रूम देखा है जो आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं ठीक है वहां पे ट्राई रूम्स होते हैं ठीक है ट्राई रूम्स में आप देखेंगे एक इस साइड मिरर लगा है एक इस साइड लगा है एक यहाँ एक यहाँ तो वहां पे आपकी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है ठीक है मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है इस साइड कुछ और दिख रहा है इस साइड कुछ और दिख रहा है आगे पीछे ठीक है मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है अब वहीं से तो ये कंसेप्ट आया कि दो मिरर्स अगर के बीच में कोई एंगल है तो हमें कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी जैसे एक और एग्जाम्पल अब दो मिरर लीजिए उसके बीच में एक सिक्का रख दीजिए सिक्का मतलब कि कोई कॉइन रख दीजिए आपका पांच रुपए का दो रुपए का एक रुपए का कॉइन रख दो वहां पे ठीक है उसके बाद देखो उसकी कितनी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा किस एंगल पे आपने मिरर्स को रखा है द एंगल यू यूज टू प्लेस दैट विल डिसाइड हाउ मैनी चलो देखते हैं एंगल की बात करें 360 सिक्सटी अपॉन एंगल बिटवीन मिरर्स माइनस वन ठीक है मैंने बोला कि मैंने दो एंगल्स जो है मेरे जो मिरर्स हैं उसको मैंने रखा है 60 डिग्री के एंगल में ठीक है ये मेरे पास एक मिरर था इसको मैंने 60 डिग्री के एंगल में रख दिया दोनों को ये 60 डिग्री का गैप बना दिया इसके बीच में तो कितनी इमेजेस बनेंगी देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री माइनस दैट इज सिक्स वन दैट इक्वल टू फाइव ठीक है उस केस में पांच इमेजेस बनेंगी डिफरेंट डिफरेंट ठीक है जब सिक्सटी डिग्री उनके बीच में गैप है होप ये क्लियर है इसके बीच में आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन पूछेंगे प्रीवियस ईयर के ठीक है उससे एनालाइज करेंगे चलो नेक्स्ट चलते हैं अब बात करते हैं मिरर की मिरर हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया एक प्लेन सरफेस होएगा होएगा तो गिलास ही वो बस उसका जो एक साइड का सरफेस है उसको हमने कलर कर दिया है ठीक है ताकि रिफ्लेक्ट कर दे लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाए पूरी की पूरी लाइट सो मिरर इज अ पॉलिश सरफेस ऑफ अ ग्लास फ्रॉम विच ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज प्लेन देन मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर अब देखो मिरर की बात करूं तो मिरर मेरे पास दो तरह के हैं एक है प्लेन मिरर एक है स्फेरिकल मिरर अब प्लेन मिरर जो हम अभी तक बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की ठीक है अब स्फेरिकल मिरर कहते हैं उनको भी समझते हैं ठीक है इसमें भी वही लिखा है स्फेरिकल मिरर अगर स्फेरिकल होगा उसका सरफेस तो उसको लेंगे स्फेरिकल मिरर अब इमेज uh, में जाने से पहले मैं प्लेन uh, मिरर और इसकी बात कर लेता हूँ स्फेरिकल मिरर्स की ठीक है यहाँ पे आ गया हाँ यस yes. ओके okay. तो पहले प्लेन मिरर की बात की मैंने ठीक है प्लेन मिरर मतलब जो हमारे घरों में मिरर होता है जिसको हम देखते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं प्लेन मिरर है अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी क्या जैसे हम खड़े हैं हमें इक्वल ही सामने दिख रहा है जितने हम साइज के हैं उतना ही हमें सामने दिख रहा है प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं जितनी दूरी पर हम खड़े हैं मिरर के जितनी दूरी पर हम खड़े हैं हमें मिरर में भी उतनी दूरी पर दिख रहा है ठीक है तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की और एक इंपॉर्टेंट बात अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की या खुद की भी मान लो अगर आपको अपनी खुद की हाइट पूरी की पूरी देखनी है मिरर पे तो आपको एटलीस्ट हाफ डिस्टेंस अपनी बॉडी के हाफ डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा तभी आपकी फुल बॉडी दिखेगी नहीं तो अगर हम देखते हैं तो इतनी इतनी दिख रही है थोड़ा और पीछे हो जाए तो इतनी और थोड़ी सी ज्यादा दिखने लग जाती है तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की हाइट के हाफ पे खड़े हैं तभी आपको पूरी की पूरी इमेज दिखेगी अपनी ठीक है देखो उ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर इन द्लेन मिर साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑफ वर्चुअल नेचर वर्चुअल नेचर अभी हम पढ़ेंगे बिहाइंड मिररर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट जैसे डिस्कस किया हमने नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सिंपल मिररर आर गिवन बिलो पहला गया इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसड बाई अ डिस्टेंस टू वर्ड और अवे फ्रॉम द मिरर देन इट्स इमेज विल बी डिस्प्लेड बाय द डिस्टेंस जितना वो मूव सेम थिंग है है क्या बोल रहा हूं मैं मिरर पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया मिरर के बिल्कुल साथ में तो उसकी इमेज वैसी बन रही है अब जैसे ही मैंने उसको पीछे रखा तो मेरे को आगे भी मिरर में भी वैसे दिख रहा है कि ये इतना पीछे रखा हुआ है जितना डिस्प्लेस किया है उतना ही पीछे रखा है ये सिंपल चीज है प्लेन मिरर के बारे में नेक्स्ट मिनिमम साइज़ ऑफ़ 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 मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज़ एन ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्वर इज़ इज़ हाफ हाफ़ हाइट ये हमने आपको अभी बताया आपको एटलीस्ट अपनी हाफ जो आपकी हाइट है उसके हिसाब से खड़ा होना पड़ेगा अगर आपको फुल इमेज देखनी है अपनी ठीक है प्लेन मिरर इज रोटेट्स मतलब अगर आप सिक्सटी uh, डिग्री से घूम रहे हो तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वन ट्वेंटी डिग्री से चेंज होगी ठीक है थीटा से टू थीटा चेंज हो जाएगा नाउ स्फेरिकल मिरर जो मैं आपको बता रहा था अभी देखो स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसा हमारे पास चम्मच होता है ठीक है चम्मच के आगे वाला हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है नाउ जो आपके पास स्फेरिकल मिरर क्या बोला मैंने जिसका सरफेस जो स्फेरिकल है उसको मैंने स्फेरिकल मिरर बोल दिया और फेरिकल मिरर मेरे पास दो टाइप के हैं ठीक है स्फेरिकल मिरर मेरे पास दो टाइप्स के हैं पहली टाइप है मेरे पास कनकेव कनकेव जहां पे केव बन रहा है केव ठीक है केव क्या होता है जो गुफा होती है जहां पे केव बन रहा है उसको मैं कनकेव मिरर बोलता हूं इस केस में जो आपका पिछले वाला हिस्सा इसका वो क्या होगा पॉलिश्ड होगा तभी तो आगे का रिफ्लेक्ट करेगी वो लाइट ठीक है अब अब इसमें जब लाइट रे आई लाइट रे आई यहां से कन्वर्ज की लाइट ठीक है यहां से लाइट जो है वो कन्वर्ज की तो याद रखेंगे कनकेव मिरर में लाइट जो है कन्वर्ज हुई ठीक है वहीं पे बात करें अगर हम दूसरे की दैट इज कन्वेक्स नाउ कन्वेक्स क्या है देखो भाई स्पून की बात की मैंने अब मैंने इसका अंदर वाला जो सरफेस है उसको रफ वो कर दिया पेंट कर दिया ठीक है तो अब जो रे ऑफ लाइट आई यहां पे आई ये इसको बोलते हैं डाइवर्ज करना ठीक है ये होगी डाइवर्ज तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर ठीक है कनकेव मिरर क्या होता है जिसमें केव बन रही है अंदर के साइड ये पॉलिश होगा और कन्वेक्स जो बाहर की साइड है, ठीक है तो ये होते हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर इनकी भी प्रॉपर्टीज है कुछ देखते हैं इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मीर इज कर्ड और आउटवर्ड्स ठीक है देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मीर पहला आ गया कनकेव मीर द स्फेरिकल मीर विद द इनवर्ड इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड कनकेव कंकेव बीम ऑफ लाइट जनरली इस जैसे मैंने आपको बताया भी इसमें लाइट जो, जो है कन्वर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सर्फेस कन्वर्जेंट मिरर ठीक है कनकेव मिरर को ही आप क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं ठीक है जैसे शाइनिंग स्पून का जो इनर कर्व सर्फेस एरिया ठीक है नेक्स्ट है, है? चलते हैं कन्वेक्स मिरर दिकल मिररर विज हमनेज हो रही कॉल्ड कोल्ड मिरर। मिररर ठी द आउटवर्ड कर्ड सर्फेस ऑफ अगून कंसिडर एज कन्वेक्स मिरर तो याद रखेंगे कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं ठीक है अब बात करते हैं ये आ गई हमारे पास इमेजेस अब देखो पहली चीज है इमेज जो मेरी आंखों में फॉर्म हो रही है वो क्यों हो रही है एक अंधेरा लाइट है अंधेरा रूम है उसमें रूम लाइट uh, नहीं है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ी मेरी आईज ने उस ऑब्जेक्ट को देखा वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर से मेरी आंखों में आई तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को दे पा रहा हूं तो इसीलिए हमारे पास जो इमेज बनी वो बनी रियल जो आपको सामने से दिख रही है अब बात करूं मैं वर्चुअल की मिरर का ये हमारे पास एग्जाम्पल है मिरर है मैं उसके आगे खड़ा हो गया जितना मैं पीछे जा रहा हूं मेरे को उतनी पीछे इमेज दिख रही है तो वो वर्चुअल इमेज है मतलब वो रियल नहीं है रियल में नहीं दिख रही है वो जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं उतना उतना उसका डिस्टेंस पीछे हो जा रहा है ठीक है तो इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट मीट्स अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपेयर फ्रॉम कमिंग कम फ्रॉम अदर पॉइंट देन दिस सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट ठीक है नाउ रियल इमेज जैसे बोला जहां से लाइट आई वहीं पे मेरी इमेज फॉर्म हुई तो उसको रियल इमेज बोल दूंगा ठीक है इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट मीट्स एट अनादर पॉइंट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज फॉर्म आर कॉल्ड रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जैसे कि इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट डज नॉट मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली अपियर टू फ्रॉम अनदर पॉइंट अपेयर टू कम फ्रॉम अनदर पॉइंट द इमेज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहां तक हमने आज करना था ठीक है so, किया किया प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं सेकेंडरी कलर्स क्या हैं है, उसके बाद रिफ्लेक्शन की बात की हमने ठीक है रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी मिरर कैसे होते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है प्लेन मिरर क्या है ठीक है ये देखा उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए ठीक है इंपॉर्टेंट हैं अब आगे हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जैसे आपके पास रिफ्रैक्शन आएगा आगे ठीक है उसके बाद डिस्पर्शन आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगी डिफ्रैक्शन आएगा ठीक है मिरर फार्मूलाज लेंस फार्मूलाज यहाँ सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो फिर रेनबो का कंसेप्ट आएगा कि रेनबो के कलर्स वहाँ पे क्या टीआईआर का आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ठीक है तो स्टे ट्यून्ड विद अस वी विल कवर ऑल ओवर टॉपिक्स ठीक है अलोंग विद द प्रीवियस क्वेश्चन ताकि हम ये एनालाइज कर पाएं दैट वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर क्या वैसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं या नहीं ठीक है सो वी विल कंटिन्यू टू लर्न लाइक दिस टिल देन टेक केयर एवरी वन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस थैंक यू वेरी मच जय हिंद